हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है द डेविल्स पास, या इसे द डैटलो पास भी कहा जा सकता है। इसे रेनी हर्लिन ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी एक फेमस इंसिडेंट द डैटलो पास इंसिडेंट के इर्द गिर्द घूमती है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी को इस घटना के बारे में ज़रूर पता होगा, लेकिन अगर आपको इस घटना के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं शॉर्ट में आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये बात सन 1959 की है। फरवरी 1 और 2 तारीख के बीच की रात को यूराल माउंटेन्स में 9 लोगों का एक हाइकर ग्रुप, जिसमें 2 लड़कियाँ भी थी, जिसे इगो डैटलो नाम का एक व्यक्ति लीड कर रहा था। उन सभी लोगों की ट्रिप 9 दिनों की थी, लेकिन जब वे वापस नहीं आए तो एक रिसर्च टीम भेजी गई और उन्होंने देखा कि वो लोग बर्फ़ में दबे पड़े हैं और इतनी ठंड होने के बावजूद भी उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उन्हें देखकर ये लग रहा था कि उन्हें किसी चीज़ का शॉक लगा है। इन 2 लाशों से 2 किलोमीटर दूर सर्च टीम को उनका कैंप मिला, जिसके अंदर भी 4 लाशें थीं, जिनमें से एक की खोपड़ी अंदर से टूटी हुई मिली और बाकी के लोगों की पसलियाँ भी टूटी हुई थी। उनके टेंट पर बाहर से कोई भी हमले के निशान नहीं थे और रिसर्च टीम ने यह पाया कि टेंट अंदर से फटा हुआ था। और सबसे रहस्यमय बात यह थी कि इन चारों के शरीर पर जो भी कपड़े थे वो 2 किलोमीटर दूर मिली बिना कपड़ों की लाशों के थे, और बाकी के 3 हाइकर्स टेंट के कुछ ही दूर मिले, जिनमें से एक लड़की की जीभ और उसकी ओरल कैविटी गायब थी, दूसरे व्यक्ति की तो आँखें ही निकाल ली गई थी, और एक डेड बॉडी के पास से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस पाई गई। और उन सभी 9 डेड बॉडीज़ में सबसे कॉमन बात ये थी कि उनकी बॉडी से किसी भी तरह के बीज बचाव के निशान नहीं मिले और ना ही उनके शरीर पर बाहर से कोई खरोंच थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये डिक्लेयर किया कि उनकी मौत नेचुरल डेथ थी, जिनमें से 6 लोग हाइपोथर्मिया से और बाकी के 3 लोग फिजिकल ट्रोमा के कारण मरे। उसके बाद कई इन्वेस्टिगेशन टीम आई और चली गई, लेकिन इन लोगों की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला। और इस घटना को इसी हाइकर ग्रुप के लीडर इगोर डैटलो के नाम पर द डैटलो पास इंसिडेंट रखा गया, और जहां पर उनके कैंप थे उसे द डैटलो पास कहा जाने लगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मूवी लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट लेती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में डैटलो पास इंसिडेंट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि फरवरी 1959 में 9 हाइकर्स रशिया के यूराल माउंटेन्स में हाइकिंग के लिए गए और उनके 2 हफ्ते बाद सभी 9 हाइकर मरे हुए पाए गए, और उनके ग्रुप लीडर के नाम पर इसे द डैटलो पास इंसिडेंट कहा जाने लगा। अगले सीन में हम हॉली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑरेगन यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। उसने एक रिसर्च के दौरान डैटलो पास के बारे में सुना था और वो इसके बारे में जानना चाहती थी कि उस समय उन हाइकर्स की माइंड स्टेट क्या होगी, इसलिए उसने अपनी सीनियर प्रोफेसर से इस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन ले ली थी, जिसमें वो खुद अपनी एक टीम बनाकर यूराल के माउंटेन्स में जाएंगे और 50 साल पहले हुई इस घटना के बारे में छानबीन करेंगे। होली की प्रोफेसर ये बताती है कि कई साल पहले रशिया के एक जर्नलिस्ट यूरी ने इस घटना पर एक फिक्शनल बुक लिखी थी, लेकिन यूरी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई, और इसका ये मतलब बन रहा था कि उस घटना को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग उन हाइकर्स के मरने के कई कारण हो सकते थे, जिनमें हाइपोथर्मिया भी एक कारण था, लेकिन सभी को हाइपोथर्मिया कैसे हो सकता था, वो भी एक ही साथ। होली ने ऑरेगन यूनिवर्सिटी के ही जेंसन को अपनी टीम में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए शामिल किया, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग हाइपोथर्मिया से नहीं बल्कि पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग से मारे गए थे। यूराल माउंटेन्स में -30 से भी कम टेम्परेचर रहता था और इतनी ठंड में किसी को भी हाइपोथर्मिया हो सकता था, और इससे बचने के लिए इंसानी शरीर
खुद के अंदर इतनी गर्मी पैदा कर लेता है कि उसका शरीर अंदर से ही जल जाता है। प्रोफेसर दूसरा कारण एवलांच बताती है, जो एक बर्फीला तूफान होता है और ये पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है। लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं पता। हॉली अपनी टीम में जेपी और एंडी को शामिल करती है क्योंकि वो दोनों क्लाइंबिंग एक्सपर्ट थे, और डेजी जो कि एक साउंड इंजीनियर थी। फिर हॉली अपनी टीम को लेकर रशिया जाने की तैयारी करती है, जहां वो रशिया पहुंचकर यूराल के कोलन साइकिल माउंटेन्स पर जाने वाले थे, जिसे माउंटेन ऑफ डेड भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पुराने समय से रहस्यमय मौतें हुआ करती थी। जिसके बाद हॉली और उसकी टीम रशिया के लिए निकल जाते हैं। अब हम एक न्यूज़ देखते हैं जो पूरे रशिया में टेलीकास्ट हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि एक महीने पहले ओरेगन यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स यूराल माउंटेन्स में डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए थे और वो सब के सब तभी से लापता है। वहाँ के लोकल लोगों के अनुसार उन्हें कोई एलियन उठाकर ले गया या वो किसी आत्मा की चपेट में आ गए। न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा था कि सर्च टीम को उनके इक्विपमेंट्स और कैमरा मिले, लेकिन रशिया की गवर्नमेंट ने उसे पब्लिक नहीं करने दिया। जिसके बावजूद कुछ हैकर्स उस डॉक्यूमेंट्री को एक्सेस करने में कामयाब हुए और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री की एक क्लिप किसी वेबसाइट पर अपलोड की, जिसमें दो लोग काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। और इसी वीडियो फुटेज के साथ हम एक महीना पीछे चले जाते हैं, जब ओरेगन यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स रशिया पहुंच चुके थे और ट्रेन से यूराल माउंटेन्स की तरफ जा रहे थे, जहां ट्रेन में एंडी अपने फ़ोन में वीडियो बना रहा था और वो होली के कान के पीछे एक टैटू देखता है और वो उसे बताता है कि उसके फ़ोन में ऐसा GPS है जो दुनिया के हर कोने में सटीक लोकेशन बताता है। फिर कुछ समय ट्रेवल करने के बाद सभी यूराल माउंटेन्स के पास बने एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां वो डैडलो ग्रुप के 10वें मेंबर पियोटर को ढूंढते हैं, जो उस ट्रिप से बीमारी के कारण वापस आ गया था और उनमें से बचा हुआ वही एकमात्र इंसान था। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है, जहां उन्हें उससे मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन वो हॉस्पिटल की खिड़की से एक बड़ा सा बोर्ड दिखाता है, जिस पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो किसी को भी समझ नहीं आता। फिर रात होने पर पांचों स्टूडेंट्स एक बार में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डैडलो ग्रुप भी अपनी ट्रिप से पहले इसी बार में आया था, और बारटेंडर उन्हें वही ड्रिंक पिलाता है जो डैडलो ग्रुप के सभी मेंबर्स को पिलाई थी, जिसे सुनकर सभी डर से जाते हैं। और बार में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें माउंटेन्स तक ले जाने के लिए राजी हो जाता है। उस आदमी का नाम सर्गी था और वो अगले ही दिन अपने ट्रक से सभी को माउंटेन्स की तरफ ले जाता है। रास्ते में इतनी ठंड थी कि बर्फ के कारण डेजी की आंखों की पलकें आपस में चिपक जाती है और एंडी उन्हें खोलने में मदद करता है। सर्गी सभी को अपनी आंट आलिया के पास ले जाता है, जो कि डैडलो इंसिडेंट की सबसे पहली रेस्क्यू टीम में थी, जिसने अपनी आंखों से सभी की लाशों को देखा था। हॉली सर्गी को वो साइन ट्रांसलेट करने को कहती है जो पियोटर ने उसे मेंटल हॉस्पिटल से दिखाया था, और जिसका मतलब ये था कि वहाँ से वापस चले जाओ। आंट आयला से बात करते समय वो बताती है कि वहाँ पर 9 नहीं बल्कि 11 लोग थे, और वहाँ पर एक मशीन भी थी। होली आयला से कहती है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर सिर्फ 9 डेड बॉडीज थी, लेकिन आयला उसकी बात काटते हुए कहती है कि उसने जो देखा उसने वही बताया जिसे सभी स्टूडेंट मनगढ़ंत कहानी समझते हैं। अब दोस्तों, आप आयला के इस स्टेटमेंट को मूवी के एंड तक अपने दिमाग में रखना, क्योंकि कई सारे राज इसी स्टेटमेंट से खुलेंगे। और फिर सभी आंट आयला के यहाँ से निकलकर माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर वो हादसा हुआ था। सभी को चलते चलते काफ़ी समय हो जाता है और वहाँ का मौसम भी अचानक बदलने लगता है, जिसे कि जेनसन अपनी डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड किए जा रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगती है और सभी वहीं पर अपना कैंप लगा लेते हैं। अगली सुबह सभी को टेंट के पास से अजीब सी आवाज़ आती है, और बाहर जाकर देखने पर उन्हें किसी के नंगे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो कि एक आम आदमी के पैरों से काफ़ी बड़े थे। ये दो लोगों के अलग अलग निशान थे, जो एक चट्टान से आकर कैंप के पास से निकले और गायब हो गए। जेनसन सारी घटना अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था, और फिर सभी लोग डैडलो की तरफ निकल जाते हैं।
काफ़ी समय चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक बार फिर वही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि सब डर जाते हैं और उन्हें फिर से वही निशान मिलते हैं जो कि एक वेदर टावर के पास जाकर रुकते हैं, जहां देखने पर उन्हें टावर से एक इंसान की कटी हुई जीभ मिलती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स और डर जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री को रोककर वापस जाने को कहते हैं। लेकिन हॉली सभी को कन्विंस करती है कि वो इतनी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं और बस एक ही रात की बात है, जिसके बाद सभी वापस चले जाएंगे। हॉली की बातें सुनकर सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और फिर से चलने लगते हैं। और कुछ घंटे चलने के बाद हॉली को ये एहसास होता है कि वो आखिरकार उस जगह पहुँच ही गए जो मशहूर भी थी और बदनाम भी, द डैटलो पास। वो सभी वहीं पर अपना टेंट लगाते हैं और हॉली अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करती है। वो फोटोज़ की मदद से एग्जैक्ट लोकेशन पर मार्क करती है जहाँ पर सभी की अलग अलग मौतें हुई थी। उस रात -17 डिग्री टेम्परेचर था और वो बताती है कि किस तरह से उनकी मौतें हुई थी। किसी की जीभ गायब हो गई थी तो किसी की खोपड़ी अंदर से टूटी हुई थी, कुछ की पसलियाँ टूटी हुई पाई गई थी, लेकिन किसी के शरीर पर भी बाहर से एक भी खरोच नहीं थी। कुछ की बॉडी से न्यूक्लियर रेडिएशंस पाई गई थी, लेकिन इन बर्फीले माउंटेन्स में रेडिएशन कैसे हो सकती है। फिर सभी लोग अपने इक्विपमेंट्स चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनके GPS और कंपास खराब हो चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय था। और शाम का समय होने के कारण वे लोग वापस भी नहीं जा सकते थे। अंधेरा होते ही हॉली रेडिएशन चेक करने वाले डिवाइस को लेकर रेडिएशन चेक करने जेंसन के साथ जाती है, जहां उन्हें बर्फ़ के नीचे एक बड़ा सा मेटल गेट दिखाई देता है जो बाहर से बर्फ़ के कारण बंद था। फिर हॉली और जेंसन को लगता है कि यहां पर रशियन की गवर्नमेंट दुनिया से छुपाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करती होगी। और फिर वे दोनों वापस कैंप की तरफ आ जाते हैं और बाकी ग्रुप को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि सभी पहले से काफ़ी डरे हुए थे। और उसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। अगली सुबह करीब 6 बजे सभी को पहाड़ों से एक बम के फटने की आवाज़ आती है। डेजी और एंडी अपने टेंट में ही रहते हैं और बाकी के सभी लोग टेंट से बाहर निकलकर देखने जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है बम के धमाके के कारण एवलांच आ चुका था और लाखों टन बर्फ उनकी तरफ कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रही थी। सभी वहां से भागते हैं, लेकिन डेजी टेंट से बाहर नहीं आ पाती और एवलांच की चपेट में एंडी और डेजी दोनों आ जाते हैं। एंडी को पैर में फ्रैक्चर आता है, लेकिन डेजी टेंट में ही मर जाती है, जिसका जिम्मेदार सभी एंडी को ठहराते हैं। लेकिन जेंसन कहता है कि कोई उन्हें जानबूझकर मारने की कोशिश कर रहा है। वो जो कोई भी हो, शुरू से उनका पीछा कर रहे हैं और उन्होंने उनके सोने का इंतज़ार किया और बम की मदद से एवलांच पैदा कर दिया। और सभी को लगता है कि ये काम वहाँ की गवर्नमेंट या रशियन मिलिट्री का हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डेविल्स पास का रहस्य सभी के सामने आए। हॉली एंडी की टूटी हुई हड्डी बैठाती है, जिससे कि वो दर्द के मारे काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और रोशनी होने तक सभी वहीं पर बैठे रहते हैं। फिर हॉली उन्हें बर्फ में मिले उस दरवाजे के बारे में बताती है, जिस पर JP काफ़ी गुस्सा होता है। और फिर जेंसन फ्लेयर गन से सिग्नल भेजता है ताकि कोई उस फ्लेयर गन के सिग्नल को देखकर उनकी मदद के लिए आ सके, और वहीं पर बैठकर मदद के आने का इंतज़ार करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद दो लोग वहां पर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ये लगता है कि वो पहले से यहीं पर थे और वो लोग मदद का बस नाटक कर रहे हैं। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो रशियन मिलिट्री के लोग हैं और वे घायल एंडी पर अपनी बंदूक से वार करके उसे मार डालते हैं, और बाकी के लोग उन मिलिट्री वालों से बचने के लिए उस बंद दरवाजे की तरफ भागते हैं जो कि जाम था। और उसे खोलते समय JP को मिलिट्री के लोग एक गोली मार देते हैं, जिससे कि वो घायल हो जाता है, लेकिन सही सलामत बाकी लोगों के साथ उस दरवाजे के अंदर आ जाता है। अंदर काफ़ी अंधेरा था और वो एक स्विच की मदद से वहाँ की लाइट ऑन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक लंबी सी टनल है। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो वहीं पर बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करें, या तो उस टनल में आगे बढ़ते जाएं
और कोई दूसरा रास्ता खोजे। फिर वो लोग टनल में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद टनल में एक शॉर्ट सर्किट होता है और वहां पर फिर से अंधेरा हो जाता है और वो तीनों अब कैमरे की लाइट के जरिए आगे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कोई टनल या बंकर नहीं है बल्कि ये एक सीक्रेट लेबोरेटरी है। वो वहाँ की छानबीन करते हैं जहाँ पर उन्हें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के फोटोज मिलते हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट में एक बोट को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की गई थी लेकिन रिपोर्ट के अनुसार वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हॉली और जेनसन जेपी को वापस आने का कहकर उसे वहीं छोड़ जाते हैं और आगे चलने पर उन्हें एक सोल्जर की डेड बॉडी दिखती है जिसकी जीभ गायब थी और ये शायद वही सोल्जर हो सकता है जिसकी जीभ उन्हें वेदर टावर में दिखी थी। फिर उन्हें वहाँ पर कई सारे कंकाल दिखाई देते हैं जो इंसान से मिलते जुलते तो हैं लेकिन इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर तभी अचानक उन्हें अजीब सी आवाज़ें आती है और वो जेपी की तरफ वापस जाते हैं और उन्हें उन्हीं का कैमरा वहाँ पर पड़ा हुआ मिलता है और उसमें वही रिकॉर्डिंग चल रही थी जो कि अभी उनके साथ हो रहा है और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तभी उन्हें अचानक जेपी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि दो अजीब से दिखने वाले जीव जेपी को जिंदा खा रहे हैं और वो फिर हॉली और जेनसन की तरफ बढ़ते हैं जिससे बचकर वो वहाँ से भागते हैं और एक दूसरी टनल में जाकर वहाँ का दरवाज़ा लगा देते हैं जिससे कि वो दोनों डरावने जीव वहाँ पर नहीं आ पाते। हॉली और जेनसन देखते हैं कि वो टनल काफ़ी पुरानी है जिस पर हजारों साल पहले की ड्राइंग्स मिलती है और उन्हें पता चलता है कि ये टनल दरअसल में एक टेलीपोर्टर है जो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही सेकंडों में भेज सकती है। फिर तभी उनके कैमरे की फ्लैशलाइट भी बंद हो जाती है और वो वहाँ से बचने के लिए टनल के एंड में बने एक वॉर्म हॉल में चले जाते हैं और जेनसन उस वॉर्म हॉल में जाने से पहले हॉली को ये कहता है कि इस वॉर्म हॉल में कोई भी कंट्रोल नहीं है इसीलिए उन्हें उस जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ पर उन्हें जाना है और वो दोनों उस टनल के दरवाजे के बाहर का सोचकर उस वॉर्म हॉल में कूद जाते हैं और वो दोनों उस वॉर्म हॉल के जरिए टनल के गेट के बाहर आकर गिर जाते हैं जहां पर उन्हें दो लोग देखते हैं लेकिन जल्दी ही मिलिट्री के लोग उन दो लोगों को भगाकर हॉली और जेनसन को वापस उस टनल की लेबोरेटरी में ले जाते हैं। लेकिन इस बार ये लेबोरेटरी वर्किंग कंडीशन में थी और अंदर कई सारे मिलिट्री सोल्जर्स मौजूद थे। लेबोरेटरी में ले जाने के बाद हॉली और जेनसन पर न्यूक्लियर रेडिएशन के जरिए कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और हम देखते हैं कि दो अजीब से डरावने क्रिएचर्स को मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा हुक्स पर टांगने का ऑर्डर दिया जाता है और वो दोनों क्रिएचर अभी भी जिंदा थे और उनमें से एक जीव के कान के पीछे वही टैटू बना हुआ था जो हॉली ने बनवाया हुआ था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वैसे तो ये मूवी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में स्टार्ट होती है जिसे हॉली और उसकी 5 लोगों की टीम डैटलो पास इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के रूप में शूट कर रही थी लेकिन मूवी एंड होते होते एक अलग ही ट्विस्ट ले लेती है जो इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। दरअसल होता यह है कि डैटलो पास इंसिडेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आखिरकार वो सभी 9 लोग एक ही साथ और एक ही दिन हाइपोथर्मिया से कैसे मारे गए। कई लोगों का ये मानना था कि ये एक एलियन घटना है तो कई लोगों का ये मानना था कि येटी यानी कि हिममानव का ये काम हो सकता है और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार रशियन मिलिट्री उन पहाड़ों में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाए रखना चाहती थी इसीलिए उन्होंने राइटर यूरी को भी मरवा दिया। मूवी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस मूवी का कंक्लूजन पॉइंट यही था कि वहाँ पर सच में रशियन मिलिट्री एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मिलिट्री हर कदम पर हॉली और उसकी टीम पर नज़र रख रही थी और जब उन्हें सही मौका मिला तो उन्होंने बम की मदद से एवलांच पैदा कर दिया क्योंकि अगर उन्हें सीधा गोली से मार दिया जाता तो 5 अमेरिकी स्टूडेंट को ढूंढने के लिए US आर्मी जरूर कुछ करती लेकिन किस्मत से वो उस एवलांच से बच गए। फिर हॉली और बाकी के लोग बर्फ में बनी उस सीक्रेट लेबोरेटरी में छुप जाते हैं जो कि काफ़ी समय से बंद थी और अंदर उन्हें ये पता चलता है कि इस लेबोरेटरी में लोगों को टेलीपोर्ट करने के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे जो डैटलो पास इंसिडेंट के बाद बंद हो गए
हॉली और जेनसन वर्महोल से टेलीपोर्ट होकर लैब के बाहर आ जाते हैं और जब उन्हें वापस अंदर लाया जाता है तो वो लैब पूरी वर्किंग कंडीशन में थी और यहीं से मूवी का टर्निंग पॉइंट होता है। दरअसल जब हॉली टेलीपोर्टेशन के दौरान लैब के बाहर आने का सोच रही थी तो उसने अपने दिमाग में बाहर की तस्वीर तो बनाई, लेकिन वो तस्वीर 1959 में घटे डैटलो पास इंसिडेंट की थी और वो टेलीपोर्ट होने के साथ साथ टाइम में पीछे चले गए। जब आंट आयला ने कहा था कि उसने 9 नहीं बल्कि 11 लोगों को देखा था और मैंने आपसे कहा था कि इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में रखना, तो उन 11 लोगों में से 2 हॉली और जेनसन थे। जब वो लैब के बाहर थे तो उन्हें 2 लोगों ने देखा, तो उनमें से एक लेडी आयला थी, क्योंकि हॉली और जेनसन 1959 में पहुंच गए थे। लेबोरेटरी की बात करें तो वहां पर टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे और लगातार रेडियो एक्टिव रेडिएशन पड़ने के कारण विक्टिम की बॉडी में म्यूटेशन होने लगते थे और उनकी बॉडी में बदलाव होते होते वे एक अलग ही जीव में बदल जाया करते थे। लेबोरेटरी में हॉली और जेनसन पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे कि वो म्यूटेंट होते गए और जिन 2 क्रिएचर ने हॉली और जेनसन पर उस टनल में हमला किया था वो खुद हॉली और जेनसन ही थे, जो कई बार टेलीपोर्ट होकर टेंट के पास भी पहुंचे थे। यह मूवी डैटलो पास इंसिडेंट और साइंस फिक्शन को जोड़कर बनाई गई है, लेकिन असल जिंदगी में इगोर डैटलो और उसकी 9 लोगों की टीम के साथ क्या हुआ था ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम जल्दी ही आएंगे एक नए और दमदार वीडियो के साथ।